नमस्कार, ईटीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी कलाकार से जिसने कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जो तमाम गायकी के जो शौकीन लोग हैं या गायकी को जो पसंद करते हैं उनकी ख्वाहिश रहती है। हमारे बीच में मौजूद हैं मैथिली ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है मैथिली आपका। थैंक यू सो मच मैथिली, बहुत पीछे काफी लोग आपके नजर आ रहे हैं, साज हैं, साजिंदे हैं और काफी आपके साथ में पूरी टीम है वो नजर आ रही है। क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, हम लोग वही जन्माष्टमी आ रहे हैं तो इसके लिए काफी सारे गीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज इसी बहाने ये इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, सब मिलके गाएंगे। आमतौर पर आपके दो भाई हैं वो नजर आते हैं लेकिन ये पूरी नजर आ रही है तो मुझे लगता है कोई स्पेशल ऐसा मौका है। ये मौका खास है, जन्माष्टमी है तो हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। जन्माष्टमी मुझे लगता है शुरुआत है उसी तरह से अगर की जाए जन्माष्टमी के मौके पर, क्या आप अपने दर्शकों के बीच में कौन सा भजन है, कौन सा गीत है वो इस बार पेश करने वाली है? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के कृष्ण भजन सुनाऊंगी। ये वो भजन है जो हम लोग छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं, मतलब हर छोटा बच्चा का फेवरेट भजन होता है ये, तो आपको सुनाते हैं। जरूर जरूर। Thank you.
क्या बात है, क्या बात है, इतनी शानदार प्रस्तुति, मतलब आपने तो समय ही बांध दिया बिल्कुल कार्यक्रम की शुरुआत में ही कृष्ण भजन गाकर। थैंक यू। मैथिली बातचीत शुरू करते हैं। आपने गायकी का दौर तो कब से आपको देख रहे हैं, 2-3 साल से, 4 साल से तो लगातार है, वो आप सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक तरह से नजर आ ही जाती है क्योंकि आपका हर कंटेंट है उतना वायरल होता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की जो शुरुआत की हम बात करें, कब से आपका जो गाना है वो शुरू हुआ है और बाकी आपकी जो गाने की शैली है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले आपका शुरुआत का जो दौर है उसके बारे में तमाम जो व्यूअर हैं वो जानना चाहेंगे। हम शुरुआत कैसे किए थे, हम तीनों भाई बहन आपस में ही मिल करके तैयारी करके वैसे हम लोग वीडियोस बनाना शुरू किए ऐसे ही एक स्मार्टफोन से और वो फेसबुक और यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू किए, तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई। अभी अभी भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, वही अपने पारंपरिक लोकगीत भजन ये सब गा रहे हैं, थोड़ा बहुत अपडेट हो गया है वो साउंड में, थोड़ा हम लोग इनहांस किए हैं या फिर वीडियो में थोड़ा इनहांस किए हैं, बाकी उसी तरीके से हम लोग अभी भी कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और हम लोग का ये प्रायोरिटी है कि हम लोग लोकगीत और भजन डिवोशनल म्यूजिक और ट्रेडिशनल म्यूजिक जो भी है फोक हमारे जितने हैं इंडिया के उसको ही लेकर के आगे बढ़े। आपकी जो शुरुआत है बड़ी रोचक है, एक तरफ आप लोक गायकी की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया और इन प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो ये एक तरह का फ्यूजन है। आमतौर पर ये धारणा है कि लोक कलाकार लोक गायक हैं वो जो आपका ट्रेडिशनल जो मंच है वहीं पर जाकर परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन आपने इस तरह का जो फ्यूजन किया है उससे बिल्कुल एक अलग है वो विधा वो सामने आई है जिसमें मैथिली ठाकुर है वो वायरल भी हो रही है, पॉपुलर भी हो रही है और लोक जो गीत है वो भी छा रहे हैं। जी, तो बहुत सोच समझ के आपने लोक गीतों की विधा को चुना है कि वो उसी को हम इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। जी जी जी, ये सब पापा हमको जिस तरीके से सिखाते ट्रेन करते उसी हिसाब से हम लोग आगे काम करते हैं, मतलब सब कुछ पापा ही हमें बताते हैं कि अब आगे ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके बाद हम सोच पाते हैं और उसमें अपना इनपुट डाल पाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि आपके पिता हैं वो आपके पापा हैं वो गुरु हैं, एक तरह से गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, उनका अपना जो है सफर संगीत का वो भी एक उम्र तक है वो चला, लेकिन बाद में वो सफर है वो रुका जितना मैंने पढ़ा उनके बारे में, और वो सारी विधाएं वो आप तक पहुंचा दी गई, क्या कहिएगा उनकी भूमिका। पापा हमेशा हमको इसी तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन खुद अभी फ्रेम के बाहर रहते हैं हर टाइम, अभी भी मेरे बगल में बैठे हुए हैं और वही सजेस्ट करें कि अब ये सुनाइए, अब ये सुनाइए या फिर क्या हमको नेक्स्ट गाना चाहिए, तो मतलब मैं नहीं सोच सकती कुछ, कोई भी एक्शन में ऐसा नहीं है जो मैं करूँ वो पापा को ना मालूम हो या फिर पापा से बिना पूछे, कोई काम ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम तीनों ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। जी, तो शुरू से म्यूजिक के अलावा कोई शौक भी थे क्या, एक तो ये कि आपको ये म्यूजिक है वो सीखना है उस पर काम करना है, लेकिन इसके अलावा अगर मैथिली ठाकुर और ऋषभ और अयाची इनके क्या शौक है, क्या उनको पसंद है। मेरा तो मुझे मालूम है मुझे संगीत से भी रुचि है और जो पेंटिंग होता है मुझे पेंटिंग करना काफी पसंद है और स्पेशली मधुबनी पेंटिंग, हालांकि मैं भी बहुत ऑब्जर्व करती हूँ उतना मुझे आता नहीं, लेकिन मुझे सीखना और ये अपने घर में थोड़ा बहुत करना कलाकारी ये सब छोटा मोटा काम मुझे काफी करना पसंद है। और आपके जो दो भाई हैं ऋषभ और अयाची, एक तरह से वो बिल्कुल आपके साथ में इस रूप में जुड़े होते हैं कि आप तीनों के बिना अलग अलग आपको देखना है वो संभव ही नहीं हो पाता, एक कल्पना भी नहीं आता कि आप तीनों के अलावा भी कोई मतलब उस तरह से तीनों को अलग अलग रूप में हम देख पाएंगे। हाँ, हमेशा इकट्ठे साथ में। जी जी, तो ये जुड़ाव है आपका म्यूजिक के अलावा भी है या केवल म्यूजिक को लेकर आपका तीनों का जुड़ाव है, आपका नेचर है वो तीनों का अलग अलग है या कॉमन है कई चीजें। नेचर बहुत अलग अलग है और जितना लोग ऑन स्क्रीन जैसे यूट्यूब पे देखते हैं कि एक साथ है, हम लोग आप इसमें मारपीट भी उतना ही करते हैं, तो मतलब सब मिला जुला के एक जैसा कॉम्बिनेशन है। जी, और आप स्कूलिंग एजुकेशन उसको लेकर क्या कुछ चलता है, क्योंकि सारा फोकस है सब लोगों की तो उत्सुकता यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो है वो आपके देखने मिले, ज्यादा से ज्यादा आपका म्यूजिक है वो सामने आए, लेकिन
इसके अलावा भी आपकी स्टडीज हैं, उसको लेकर भी बहुत कंसर्न होंगे, तो कैसे जी, मेरा तो मैं स्कूल पास आउट हूँ और मैं भी कॉलेज में हूँ और मैं थर्ड ईयर अभी मेरा इस बार चल रहा है। अयाचिका भी नाइन्थ स्टैंडर्ड में है और ऋषभ भी अभी जस्ट 12th पास आउट हुए हैं। तो हमारा पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक और म्यूजिक के साथ साथ पढ़ाई दोनों आपस में मिलजुल के हम लोग चलाते रहते हैं और बहुत अच्छे से चल रहा है और सब कुछ वैसे ही कंटिन्यूशन में है। वायरल जब आपके वीडियो होते हैं तो लोग देखते हैं कि मैथिली ठाकुर है, इतना सुंदर गा रही है, उनके साथ देने वालों में खासतौर से अयाची हैं, उनके एक्सप्रेशन, उनके उनका जो डेडिकेशन है वो भी स्क्रीन पर नोटिस होता है। कोई फीडबैक मिला आपको अयाची को लेकर? अयाची को लेकर हमारे सारे फीडबैक जो हम समझ पाते हैं वो कमेंट्स के थ्रू, जैसे यूट्यूब या फेसबुक या कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर अगर हमने कुछ पोस्ट किया है, कोई वीडियो पोस्ट किया है, जैसे आप बता रहे हैं कि लोग देखते हैं, तो उसके जो कमेंट्स होते हैं उससे हम लोग काफी अंदाजा लगा लेते हैं कि बाहर, क्योंकि हम लोग फोन के अंदर से सभी लोगों को बता रहे हो, गा के सुना रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कौन हमें सुन रहे हैं, किसके क्या प्रतिक्रिया है। तो कमेंट्स के जरिए हमें काफी कुछ समझ में आता है, उसी के हिसाब से हम अपने आने वाले गीतों का कलेक्शन करते हैं या फिर सिलेक्शन, उसके बाद वो चीजें मतलब डिसाइड करते हैं कि अब क्या लोगों को सुनाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स सनी मतलब अयाची और ऋषभ के बारे में हमें काफी सारे कमेंट्स और उसमें हम लोग को पढ़ने को मिलता है जी। और वैसे आपके शौक क्या हैं, क्या पसंद करते हैं आप? आपने कहा पेंटिंग वगैरह तो आप करती हैं, गायकी है, इसके अलावा अगर हम आज के दौर के जो बच्चे हैं उनकी ख्वाहिशें बिल्कुल अलग होती हैं, क्या मैथिली ऋषभ और अयाची हैं उनकी सोच है वो बिल्कुल अलग हो गई है म्यूजिक की वजह से, या फिर आप भी आम बच्चों की तरह आपको लगता है कि थोड़ा सा आउटिंग पे जाया जाए, कहीं और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और भी किया जाए? नहीं, हमें भी बहुत पसंद है घूमना, स्पेशली जैसे अभी जन्माष्टमी है तो हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, तो उसके लिए काफी एक्साइटेड है। ये सब चीजें हमें भी घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है और मतलब क्या क्या शौक हमारे भी बहुत सारे होते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड भी और वैसे भी। जी अमन, आपका मैंने देखा पूरा करियर इंडियन आइडल से लेकर सारेगामा और राइजिंग स्टार के उसमें अलग अलग जगहों पर, ऐसा नहीं है कि तुरंत है वो एक तरह से कामयाबी मिली है, तो दो बातें हैं कि जब आपने ख्वाहिश पाली कि मुझे अच्छा सिंगर बनना है और कंपटीशन के अंदर आप उतरी, वहां पे उस रूप में कामयाबी नहीं मिली, उसको कैसे संभाला, और अब ये जितना वायरल हो रही है इसको कैसे आप संभाल रही है, कैसे मैनेज कर रही है? इसका ये सवाल काफी सारे लोगों ने पूछा है, लेकिन इसका मुझे बिल्कुल सटीक जवाब मेरे पास अभी तक नहीं है। ये तो मुझे मालूम है कि काफी सालों से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि जब मुझे कोई नहीं जान रहा था, हम लोग वीडियोस उस समय नहीं बना रहे थे, तो उस समय से ये था कि सबसे पहले हम लोग कहाँ दिखे, कौन हमें देखेगा, मतलब कोई भी आर्टिस्ट है तभी जाना जाता है जब वो किसी स्क्रीन पर दिखता है। तो इसीलिए मैं बहुत छोटी थी, 10-11 साल की थी, तब से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कोई रियलिटी शो में सिलेक्शन हो जाए। तो शुरुआत के 2-3 में एक्सपीरियंस मतलब एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ पे कैसे क्या चीजें होती हैं, बॉलीवुड गाना जरूरी होता है तभी आप सेलेक्ट हो पाते हैं, आगे जा पाते हैं। तो ऐसे करते करते राइजिंग स्टार, इंडियन आइडल, ये सभी रियलिटी शोज में मैं आगे तक गई, राइजिंग स्टार में रनर अप रही, तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला और मतलब संगीत से जुड़े हुए भी चीजें सीखने को मिली, लेकिन किस तरीके से इसके बाद खुद को संभालना है, मेंटेन करना है, ये काफी सारी चीजें सीखने को मिला और मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा है पहले के सिचुएशन में अभी के सिचुएशन में। हम लोग उसी तरीके से काम करते जा रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि अभी लोग हमें कितना जान रहे, ये नहीं जान रहे। उस समय भी हमारे अगर 1,000 फॉलोअर थे तो हम वैसे ही गीत सुनाते थे, अभी भी हमारे 11 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ के भी ऊपर फॉलोअर्स हैं, लेकिन वैसे ही हम लोग उसी डेडिकेशन के साथ, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा डेडिकेशन के साथ अभी काम कर रहे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि कभी कोई चीज हमारे सर में ना बैठे और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं वो वैसे करते ही जाए हमेशा। जी अमूमन जब लोग पॉपुलर हो जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट भी बहुत करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप केवल लोकगीत और भजन और वहीं तक अपने आप को आपने सीमित रखा है, जबकि संगीत है उसका दायरा तो बहुत बड़ा है। सीधे सवाल अगर कहूँ कि बॉलीवुड के अंदर है वो, क्या हम कभी मैथिली ठाकुर को देख पाएंगे गाते हुए? मैंने कभी अपने आप को सीमित नहीं रखा है
और अगर देखा जाए बॉलीवुड, बॉलीवुड अपने में बहुत बड़ी चीज है और काफी सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन सीमित ना करके मैंने अपना एक डिसीजन लिया है। मेरा ये सिलेक्शन है कि मुझे क्या गाना है, ये मेरी सोच है कि मुझे किस दिशा में जाना है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने अपने आप को सीमित किया है, और मुझे लगता है कि मैं काफी खुश हूँ। और इवन एक आर्टिस्ट का खुद के अंदर का होना चाहिए कि वो क्या गा रहे हैं तब उन्हें खुशी मिल रही है। तो मैं हमेशा वो गीत गाना चाहती हूँ जिसमें मुझे खुशी मिले, जिनके शब्द अच्छे हो और जिनसे मैं लोगों को कनेक्ट कर सकूं। अगर ऐसा सिचुएशन है कि यंगस्टर अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी नहीं, कुछ सालों बाद वो कनेक्ट हो, लेकिन जरूर ऐसा होना चाहिए। बाकी अगर बॉलीवुड सिंगिंग की बात है, तो एक समय था जब ऐसे ऐसे गीत हैं जो जैसे लग जा गले या फिर भैया ना धरो, कोई भी ऐसे गीत है जो अभी भी कोई गाता है तो आगे के लाइन हमेशा हमारी जबान पे अपने आप रेडी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे आजकल के गीत हैं जो अगर मैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे कि मतलब कि लोग गीत भूल जाते हैं, अभी के गीत आते हैं जाते हैं और उनमें से काफी कम है जो वैसे एवरग्रीन रह जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही, मैंने अपने आप को सीमित नहीं रखा है, लेकिन मेरा एक डिसीजन है और चॉइस है कि मुझे क्या गाना है। मैथिली ने एक डिसीजन लिया और जो उसके व्यूअर हैं, जो उनको पसंद करते हैं लाखों की तादाद में, उनकी ख्वाहिशें भी कुछ और हो सकती हैं कि आप चलिए कुछ गजल के अंदर भी कुछ हो सकता है कुछ आप, और। आप मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने इसमें गजल का अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, भजन का और रविंद्र संगीत, कीर्तन, ये सब चीजों का अलग अलग प्लेलिस्ट है। अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको शायद पता चले कि मैंने और भी बहुत सारे देखा है, मैंने जब देखा है आपके, आपसे मुखातिब हो रहा था उससे पहले आपके सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन उसमें छवि है वो मैथिली ठाकुर की, लोक कलाकार, लोक गीत गाने वाली एक बच्ची जिसकी बहुत सुंदर आवाज है, उस रूप में वो छवि है वो ज्यादा प्रबल हो जाती। जी 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 तो इस छवि को कभी बदलना चाहेंगे आप, मौका मिला? जी बिल्कुल नहीं बदलना ये छवि, और मैं चाहती हूँ कि ये और ज्यादा स्ट्रांग रहे, और हमेशा मैं इसी में खुश हूँ और ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे हमेशा देखें। चलिए बातें बहुत हुई, एक कुछ और आपसे सुनना चाहेंगे, व्यूअर हैं वो जरूर उम्मीद करेंगे कि जब मैथिली ठाकुर हैं वो सुरीली आवाज में जवाब तो दे रही है लेकिन उनका गाना है वो लाजवाब है, वो सुनना चाहेंगे। तो सुनाते हैं, मैं एक और कृष्ण भजन आपको सुनाना चाहती हूँ अभी, क्योंकि जन्माष्टमी की बात हो रही है, तो दो तीन आपको कृष्ण भजन सुनाऊंगी। वायरल वीडियोस जब होते हैं तब एक तरह से कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है मैथिली।
आप क्या लगता है, जिस तरह से यूथ है वो हर कोई चाहता है कि उसका कंटेंट है वायरल हो, लेकिन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसकी नजर, आपकी आपकी राय क्या है? ये कंटेंट क्रिएशन एक दूसरी चीज है, और अगर म्यूजिक में देखा जाए तो ये एक्चुअली आर्टिस्ट और उसके सोच पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार सोचते हैं। कि अगर वो ये चाहते हैं कि वायरल हो, तब तो उनको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। कि अभी जैसे मैं बोलूँ, मतलब आप देख रहे हो अभी सोशल मीडिया पे कुछ दो तीन गाने हैं जो बहुत, दो तीन ही, एक गाना है क्या, कुछ भी खोलेंगे तो एक गाना है जो हमेशा वायरल होता रहता है। तो मतलब काफी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। मैंने वैसे कभी ये सोच के नहीं किया कि हे भगवान जी, मेरा ये वायरल चला जाए। लेकिन मुझे जैसे ओकेजनली, जैसे अभी जन्माष्टमी है तो हम लोग ये सोच के गा रहे हैं कि हम लोग जन्माष्टमी तो कृष्ण भजन सुनाएंगे, या फिर जो जैसे पहले होता था कि हमारे यहाँ हमारे गांव में ऐसा होता है कि जब वो मास होता है, उस मास में उस चीज का गाना गाया जाता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले, अभी सावन जैसे खत्म हुआ है अभी हाल ही फिलहाल में, तो हम लोग जो हमारे यहाँ पे मधुश्रावणी के गीत, बिशहर के गीत, ये सब गाए जाते हैं। तो हम लोग उस चीज को लेकर के, अपने कल्चरल चीजों को लेकर के गाते हैं और लोग कनेक्ट कर पाते हैं इसी वजह से। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है। कभी एनालिसिस करते हैं, आपने कहा कि वायरल क्या हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता हाँ, है, अच्छा है वीडियो पोस्ट करना है, लेकिन फिर भी एक तुलनात्मक तो हो ही जाता है, एक कंपैरिजन हो जाता है कि आपका क्रिएशन, दोनों ही आपके क्रिएशन है, लेकिन एक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है उसको लेकर किस तरह की फीलिंग रहती है, क्योंकि दर्शक है वो जरूरी नहीं कि आपका हर चीज है वो पसंद कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी सोच क्या रहती है और उसको किस तरह से लेती हैं आप? क्योंकि मैंने ही वो दोनों वीडियोस बनाए हैं, तो मेरे लिए इक्वल एफर्ट दोनों में गया है। तो मैं कुछ ज्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं बस आगे क्या करना है वो सोच रही होती हूँ बस। और व्यूअर हैं वो जो कमेंट करते हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो आपके फॉलोवर हैं, लेकिन कई हैं वो आपकी आलोचना भी करते होंगे कि इस गाने को आपने ठीक से नहीं गाया या इस गाने को ऐसा कहा, उनको आप किस तरह से लेती है? खास तौर से मेरा इशारा उन ट्रोलर्स के ऊपर है, हालांकि आपकी उस पर बहुत ज्यादा में ट्रोलिंग है वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप जिस तरह का कंटेंट देते हैं वो सभी को पसंद आता है, लेकिन फिर भी जो ट्रोलर्स हैं उनको लेकर, क्योंकि आपके जरिए उन तमाम जो यूथ कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए भी वो मैसेज होगा कि ट्रोलर्स को किस नजर से देखे हो। जी, एक्चुअली मैंने कभी वैसे कमेंट्स देखे नहीं है खुद, लेकिन अगर मान लीजिए इन फ्यूचर ऐसा होता है तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ और कितना एफर्ट लग रहा है। तो हमेशा मैं रोज रोज नया कुछ सीखने की कोशिश करूंगी, ताकि मैं, जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है वो लोग कभी ना कभी सेटिस्फाइड हो। आने वाले 10-15 साल में मिताली ठाकुर हैं वो खुद को कहाँ पाती हैं? जिस तरह से एक लोगों की हसरतें होती हैं इस तरह की पॉपुलरिटी, इस तरह की वायरलिटी है वो हासिल करना, वो आप तीनों बच्चों ने हासिल कर ली है, आगे 10-15 साल में खुद को कहाँ देखती हैं आप? आगे का अभी मुझे मालूम नहीं, मैं सोचती भी नहीं हूँ कि मैं भी आगे क्या, अपने आप को कहाँ देख रही हूँ। लेकिन होपफुली अगर मैं सब कुछ अच्छा करती रहूँ तो मैं उस मुकाम पे पहुंचू जहाँ पे मैं खुश रहूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ खुद से कि मैंने जो किया ठीक किया। आपके दोनों भाइयों की क्या ख्वाहिश है वो उनसे जानना चाहते हैं चलते चलते। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। जो भी हम जितना भी जो भी करते हैं हम आगे जाके, वो सब कुछ हमारा ही हित में होगा, तब अच्छा ही रहेगा। क्या बात है ऋषभ, आप भी कुछ बोलेंगे? बस म्यूजिक को आगे बढ़ाते रहना है, और लोगों को फोक जो हम गाते हैं वही स्प्रेड करना है। चाहता क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली। मैं चाहता हूं कि इतनी सुंदर आप तीनों बच्चों की मुस्कुराहट है तो आपके जो पिता हैं वो भी अगर स्क्रीन पर एक झलक दिखाए तमाम दर्शकों को, अगर ये संभव हो सके तो हम देखना चाहेंगे पूरा परिवार किस रूप में साथ में आता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। नमस्ते सहयोग का नमस्ते आपने स्वीकारा रमेश जी। जी जी नमस्ते। नमस्ते, बहुत अच्छी तरह से आपने ग्रूमिंग की है बच्चों की, और वाकई ये इतना वायरल हो रहे हैं, इतना पॉपुलर हो रहे हैं, और सही दिशा में इनका कंटेंट जा रहा है, सही दिशा में गायकी जा रही है, तो उसका श्रेय यकीनन आपको भी जाता है। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और शुक्रिया मैथिली, ऋषभ, अयाची और पूरे तमाम आपके सदस्य सहयोगी जो साथ में हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आईटीवी भारत से जुड़ने के लिए, और जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी।
Oh,